52 सीसी का अर्थोगर, 52 सीसी टू स्ट्रोक इसमें इंजन लगा हुआ है। टू स्ट्रोक मतलब पेट्रोल के अंदर 2TL मिक्स करना पड़ेगा। 52 सीसी जो अर्थोगर है इसकी जो अंदर है तरह तरह के इसमें भी बिट लग जाते हैं, और इसकी जो चलाने की क्षमता होती है वो होती है 2 इंच से लेके 6 इंच का जो ये बिट है बड़ी आसानी से चला देता है। 6 इंच से थोड़ा बड़ा भी चला देते हैं ये, बट अगर आपका थोड़ा बहुत काम है तो बड़ा बिट चला सकते हो। अगर आपका ज़्यादा काम है बड़े बिट के साथ तो हमारी जो कंपनी है वो कहती है कि आप बड़ा इंजन लीजिए। तो 52 सीसी अर्थोगर ये जो है ये हैंड हेल्ड है, इसमें सिंपल सिस्टम है, ये हाथों में रेस दी हुई है, आपको इंजन स्टार्ट करके अपना मन चाहा बिट जो है वो लगाना है और उसके बाद ये खाली रेस दबानी है। तो रेस दबाओगे तो ये बर्मा जो है वो अंदर घूमता जाएगा और वो गहराई के अंदर जाता जाएगा। आपको जितना गहरा करना है 1 फीट 1.5 फीट 2 फीट 2.5 फीट 3 फीट वो उतनी गहराई के अंदर आप लेके जा सकते हैं। अभी हरजी आपने कहा कि 15 फीट तक गड्ढा कर सकते हैं गहरा। जी जी जी, उसके बारे में थोड़ा डिफाइन करके बताएं। जी जी सर, मुझे लगा कि मतलब 15 फीट तो बहुत होता है। जी जी, कहीं कहीं हमारे गंगा के खादर में तो 15 फीट पे पानी निकल आएगा। हाँ जी हाँ जी, बोरिंग हो जाएगा इस तरीके से आप खड्डा 15 फीट कर देंगे। तो पहले जो है हम खड्डे जो बर्मे बनाते थे वो 2-2 3-3 फीट तक के थे, पर जैसे जैसे हमने काम करते गए तो लोगों की जो रिक्वायरमेंट आती थी कि कोई कहता है कि मेरे को अपनी अर्थिंग करवानी है, अर्थिंग के लिए हमें 10 फीट गहरा खड्डा करना है, जमीन के अंदर तारें बिछानी है। जी, कोई कहता है कि जी हमारे तो 15 फीट के ऊपर बोरिंग करवानी है क्योंकि पानी निकल आता है। बिल्कुल, तो उसके लिए जो है हमने जो है स्पेशली हमारी टीम ने डिज़ाइन करके ये बिट बनाए हैं। डबल हेड 4 इंची बिट में है, जो आप जो है इसके अंदर आप अलग अलग बिट जोड़ के आप इसको 3 फीट से लेके 15 फीट तक आप बढ़ा सकते हैं। ये जो बिट है इसके अंदर ये जुड़ते जाएंगे, तो हर बिट के आगे है एक नया बिट लगने की इसके अंदर प्रोविजन दी है। तो मतलब इसके आगे जैसे आपने खड्डा कर लिया, पहले ये 6 फीट का है, तकरीबन 4 फीट का है, तो 4 फीट का खड्डा करने के बाद उसके बाद इसके आगे आप 2 फीट का बर्मा और जोड़ दोगे, 2-2 फीट करते हुए कुल आप तकरीबन 15 फीट गहरा जो है वो इसके साथ खड्डा कर सकते हैं। तो हमारी जो मशीनें का गेयरबॉक्स है, हमारी 68 सीसी वाली जो मशीनें हैवी ड्यूटी ट्रॉली वाली मशीनें पुली ऑगर जो है वो इन बड़े जो 15 फीट तक के जो हमारे खड्डे हैं वो करने की क्षमता रखती हैं, और हमारे पास जो है इसको 15 फीट चलाने तक का जो बर्म है वो भी हमारे पास है। तो आप देख सकते हैं मैं खुद 6 फीट का हूँ तो मेरे से डबल के ऊपर ये गए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे कंपनी के पास किसी ने छोटा खड्डा करना है या बड़ा करना है, बोरिंग के लिए करना है, उन सभी के लिए जो है हमारे पास मशीनें उपलब्ध हैं। तो सर जैसा कि ये मैं मॉडल देख रहा हूँ, इसके प्राइस के बारे में बात बताइए और इसकी जो फ्यूल कंजप्शन है वो क्या है। जी जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो है SCA 5500 मॉडल जो है 52 सीसी अर्थोगर है, इसके अंदर हमने 52 सीसी का इंजन लगाया है 1.5 हॉर्स पावर का, और इसके साथ जो है जो इसकी हमने फ्यूल कंजम्पशन है वो 1 घंटे का 1 से 1.5 लीटर है, वो आपकी मिट्टी के ऊपर आपके गड्ढे की गहराई के ऊपर वो बदलती रहेगी। कम से कम 1 लीटर और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लीटर की जो है इसकी खपत है। और इसके साथ जो है हम 52 सीसी वाला जो हमारा ये अर्थोगर है ये किसान भाइयों को 12,500 का पड़ता है। 12,500 में हम इसके साथ 4 इंच का बिट और ये 6 इंच का, ये 2 बिट जो है हम किसानों को देते हैं जो भी हमसे ये 52 सीसी की मशीनें लेगा। अगर कोई किसान भाई या कोई हमारा जो मशीन खरीदना चाहता है वो चाहता है कि उसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है तो या फिर जल्दी मिट्टी निकले, तो वो हमसे जो है ये डबल हेड बिट ले सकता है। डबल हेड और सिंगल हेड में फ़र्क क्या है, आप देख सकते हैं कि जो डबल हेड है इसमें आप 2 जगहों से जो है इसका बर्म जो है वो घूम रहा है, और जबकि सिंगल हेड में जो है एक तरफ से बर्म घूम रहा है। तो एक तरफ बर्म घूमने से जो है वो हार्ड मिट्टी में काम नहीं कर पाता है, पथरीली मिट्टी में काम नहीं कर पाता है और मिट्टी भी कम निकलती है। डबल में जो है ये पथरीली मिट्टी को भी आसानी से अंदर चला जाता है और मिट्टी ज़्यादा बाहर निकलने की वजह से ये आसानी से और जल्दी खड्डा कर देता है। उसके बाद अगर कोई जो है व्यक्ति जो है वो खड्डा जो है वो 6 इंच से बड़ा लेके 12 इंच तक का, मतलब 6, 8, 10, 12 इंच तक का खड्डा करना चाहता है, तो उसके लिए हम जो है 68 सीसी का मॉडल रिकमेंड करेंगे। 68 सीसी में जो है वो 3 हॉर्स पावर का ये इंजन हो जाता है और इसके अंदर जो फ्यूल कंजम्पशन है वो भी 1.5 लीटर की है। और इसके अंदर फ़ायदा क्या है कि आप बड़ा बिट 6 इंच तक का तो आप 52 सीसी में चला सकते हो, अगर आपको बड़े खड्डे करने हैं तो आप 68 सीसी का लीजिए। जो 68 सीसी वाला है ये आपको पड़ता है 15,500 का। 15,500 में जो है आपको एक 4 इंच का बिट और एक 8 इंच का बिट, ये 2 बिट आपको मिलेंगे। और जो है हमारी कंपनी के अंदर आपको क्या खासियत मिलेगी कि जो हमारा गियर बॉक्स लगा हुआ है इसमें जो है आप देख सकते हैं थोड़ा लंबा गियर बॉक्स है हमारी आम मशीनों से जितनी भी मार्केट में उपलब्ध है,
लंबा गियर बॉक्स का क्या फ़ायदा है कि इसके अंदर डबल क्लच सिस्टम है, यानी कि अगर इस मशीन के अंदर कोई भी ज़्यादा जोर लगने लग गया तो इसका एक अंदर दूसरा क्लच है वो खुलना शुरू हो जाएगा, जिससे जो है ये मशीन की ताकत और बढ़ जाएगी और जल्दी से आसानी से खड्डा हो सकता है। उसके बाद अगर कोई किसान कोई व्यक्ति जो है ये हमारा ट्रॉली वाला ऑगर लेना चाहता है, जिसमें वो जो चाहता है कि आसानी से वो कहीं भी इसको आगे पीछे तक लेके जा सके, दूर दराज पहाड़ों के इलाके में या किसी ने लंबे लंबे अपने खेत में खड्डे करने हैं, तो वहाँ पे वो जो है ये 68 cc वाला ट्रॉली ऑगर हम बोलते हैं, SCA 7000 LT मॉडल है हमारा, वो देख सकता है। इसके अंदर जो है ये भी ट्रॉली जो है अपना एंगल एडजस्ट करके जो है इसको आसानी से चला सकता है। इसमें भी हमने 68 cc 3 horsepower का इंजन दिया है, तो जो इसकी जो कीमत है वो पड़ती है 19,500। 19,500 के अंदर आपको ये 68 cc का ट्रॉली वाला ऑगर मिलेगा और साथ में इसके साथ आपको जो है 10 inch का बिट मिलेगा। अगर कोई किसान भाई जो है वो या कोई व्यक्ति जो है इसको थोड़ा ज़्यादा एडजस्टमेंट ट्रॉली वाला लेना चाहता है, तो इसका जो है खाली 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के वो 21,500 में ये ले सकता है। अब हम बात करते हैं ये पैडल ऑगर की। ये पैडल ऑगर जो है ये हमारी कंपनी की बहुत बड़ी इनोवेशन है। जिस किस व्यक्ति को जो है वो चाहता है कि उसके खड्डे बहुत ज़्यादा होते हैं, 12 इंच का बर्मा चलाना है, अगर थोड़े बहुत खड्डे करने हैं तो आप नॉर्मल अपना ऑगर पकड़ के सिंपल हाथ वाला उससे खड्डे कर सकते हैं। बट अगर आपको ज़्यादा खड्डे करने हैं और आप चाहते हैं कि आपके खड्डे सीधे हों, क्योंकि नॉर्मल वाले में अगर आप टेढ़े हो गए तो आपका खड्डा भी टेढ़ा होगा, तो इसमें जो है क्या फ़ायदा रहता है कि ये जो पूरा फ्रेम है, जो बिट है, वो इस ऊपर नीचे होके इस चासी के ऊपर चलता है, तो जिससे जो आपका खड्डा है वो बिल्कुल सीधा बजेगा और इसमें जो है आपको ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब खड्डा करने के लिए यहाँ पे हमने फुट पैडल दिया है तो उसको आप पैर से नीचे दबाओगे तो जाएगा और जब पैर हटा लोगे तो ये स्प्रिंग जो है इसको ऊपर को खींच लाएगा। एक तो खड्डा सीधा हो गया, झुकना नहीं पड़ा, आपकी पीठ दर्द का कोई समस्या नहीं है और आप जल्दी से ज़्यादा खड्डे कर सकते हैं और निकालने में भी हमें कोई जोर लगाना जी जी नहीं और साथ में तो पहिए दिए हुए हैं, जहाँ मर्जी आप इसको जो है आसानी से लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये जो इसके आगे आपने देखिए नुकियाँ लगी हुई हैं, ये मिट्टी के अंदर गड़ जाती हैं इसे, ताकि जो है ये ऑगर जब बड़ा बिट भी हम इसके ऊपर चला रहे हैं तो वाइब्रेशन ना हो, झटका ना मारे, क्योंकि अक्सर यही दिक्कतें आती हैं कि जो लोग मशीन चला भी रहे हैं ऑगर की नॉर्मल, कि अगर बड़ा खड्डा मारते हैं या चौड़ा खड्डा मारते हैं तो झटके की बड़ी दिक्कत आती है कि मशीन झटका मारती है, किसी को गिरा दिया, किसी की बाजू हिला दी, तो इसमें वो दिक्कतें नहीं आती हैं। जिन भाइयों का काम ज़्यादा है तो मैं उनको जो है हमारा पैडल ऑगर रिकमेंड करूँगा। अभी बात आती है कि पैडल ऑगर में थोड़ा बहुत ही थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा हैवी फ्रेम। आपने इसके रेट के बारे में नहीं बताया। जी मैं बताना भूल गया था, सॉरी। तो इसका जो रेट है 7000 PT, जिसमें 68 cc का इंजन दिया है हमने, 68 cc का इंजन दिया है और साथ में इसके जो है वो आपको एक मिलेगा 6 inch का बिट और एक 12 inch का बिट मिलेगा। 6 inch और 12 inch के बिट के साथ ये जो है आपको पड़ेगा 24,500 का। 24,500 में हमारा 68 cc का पैडल ऑगर मॉडल मिलेगा दो बिटों के साथ, दो बिट के साथ। अब इसमें जो है एक इंजन और ऑप्शन आता है, क्योंकि पैडल ऑगर में जो इंजन हमेशा सीधा रहेगा, तो इसमें हम 50 cc फोर स्ट्रोक का इंजन भी लगा सकते हैं। तो अगर कोई फोर स्ट्रोक इंजन लगाना चाहता है तो वो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के जो है इसके अंदर फोर स्ट्रोक इंजन लगा सकता है जी। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे ये हैवी ड्यूटी पुली ऑगर SCA 7000 HT मॉडल। पुली ऑगर जो है ये जो है तकरीबन इसमें क्या फ़ायदा रहता है कि इसमें आपको कोई जोर वगैरह नहीं लगाना पड़ता खड्डा करने के लिए। इसका खुद का वजन इतना ज़्यादा है, इसका खुद का वेट भारी इतनी है मशीन कि ये जो है एक बार स्टार्ट होगी तो अपने आप ही अंदर जाती है। और इसमें जो है एक ऊपर लेके आने के लिए आप देखिए ये पुली सिस्टम दिया हुआ है हमने, जिसके अंदर हमने स्टील की केबल डाली है जो इसको ऊपर को खींच के ले आएगी। तो इसके अंदर आप लंबे खड्डे, बड़े खड्डे, भारी खड्डे, टाइट मिट्टी में खड्डे, वो सब आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें भी दो पहिए दिए हुए हैं जिससे आप इसको आसानी से जहाँ मर्जी लेके जा सकते हैं। आगे नुकियाँ लगी हुई हैं जो मिट्टी में गड़ के इसको झटका नहीं मारने देंगी। तो इसमें क्या है कि आपको कोई जोर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मशीन जो है वो खुद ब खुद ही अपना आप खड्डा करती रहती है जी। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो वो आपने इसका प्राइस क्या रखा हुआ है? जो ये हमारा हैवी ट्रॉली वाला ऑगर है, वैसे तो लोग और भी जो है बेचते हैं वो बहुत ही महंगे रेट में देते हैं, बट हमारा हमेशा से ही, मैंने जैसे पहले भी बताया कि विदेशी मशीनों को कम दाम में भारत में बना के किसानों को देना, तो ये जो मशीन है ये आपको जो है किसी भी व्यक्ति को अगर जो चाहिए तो ये पड़ेगी 43,000 की। 43,000 में 68 cc का ऑगर आएगा और साथ में जो है आपको 10 inch की हैवी ड्यूटी बिट मिलेगी, हाई स्टील कार्बन की जो है हैवी ड्यूटी आपको बिट मिलेगी इसके साथ। अब अगर हम आगे देखें तो ये कुछ मॉडल थोड़ा सा अलग तरीके का है, कुछ अलग डिजाइन का है, इसकी क्या क्या खासियत है?
इसमें जो है ये जो हमारा मॉडल है जी, ये टू मैन ऑपरेटेड हैवी ऑगर मॉडल है। इसके अंदर जो है हमने 163 सीसी का हैवी ड्यूटी जो है वो इंजन लगाया है, फोर स्ट्रोक इंजन है। फोर स्ट्रोक इंजन का क्या बेनिफिट रहेगा, एक तो एवरेज बहुत अच्छी आएगी, इंजन आवाज़ ज़्यादा नहीं करेगा, इंजन की लाइफ भी ज़्यादा है, कोई ट्यूटोरियल मिलाने का झंझट नहीं है, खाली पेट्रोल डलेगा। और इसके अंदर जो है आपको जो सबसे बड़ी है कि ताकत बहुत ज़्यादा मिलती है इसके अंदर, इसके RPM ज़्यादा होते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि एवरेज आपको जो है तकरीबन एक घंटे का मात्र आधा लीटर पेट्रोल ये लेता है जी, जबकि हमारे जो छोटे वाले से हमने बात किया वो एक डेढ़ लीटर पेट्रोल लेते हैं। तो ये जो है आधा लीटर पेट्रोल लेता है, फोर स्ट्रोक इंजन होने की वजह से आसानी से रस्सी खींच के ये स्टार्ट हो जाता है। और 163 सीसी का इंजन है। अब इतना बड़ा इंजन बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि कुछ लोग जो है वो बड़े खड्डा करना चाहते हैं, उनकी जो होती है वो होती है कि 12 इंच से भी बड़ा, 14, 16, 18, 20, 22 इंच तक हमने खड्डा करना है। तो ये जो मशीन है ये हमने बनाई है जो 2 इंच से लेके हमारा 24 इंच, मतलब 2 इंच से लेके 2 फीट तक का जो ये खड्डा है वो आसानी से कर सकता है। 2 इंच चौड़ाई से लेके 2 फीट चौड़ाई तक, मतलब 2 इंच से लेके 24 इंच तक की चौड़ाई तक का जो है ये खड्डा करने की इस मशीन की कैपेसिटी है। इसके अंदर जो गियर बॉक्स है, इस इंजन के RPM इतने ज़्यादा हैं, 10,000 RPM है, कि हमें गियर बॉक्स में रिडक्शन लगानी पड़ी ताकि जो है वो RPM कम हो जाए। तो एक तरह का ये ट्रैक्टर का लो गियर इसके अंदर लगा हुआ है, जिसमें चक्कर कम है बट ताकत बहुत ज़्यादा है, ताकत बहुत ज़्यादा। तो ज़्यादा इंजन फुल RPM पे घूमता है पर नीचे आके RPM कम हो जाता है, जिससे जो है टाइट मिट्टी में भी ये आसानी से खड्डा कर देता है। बड़े जो हमारे बिट होते हैं उसको चलाने की भी ये पूरी क्षमता देते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे भी कि इसको बड़े बिट को ये कितनी आसानी से और कितने चंद मिनटों के अंदर ये जो है वो खड्डा कर देता है। तो सर जी, अगर इसकी कीमत की हम बात करें तो वो आपकी कंपनी ने इसकी कीमत क्या रखी हुई है? जी, ये जो हमारा 163 सीसी फोर स्ट्रोक मॉडल है, इसकी जो हमने कीमत है वो बड़ी सोच समझ के, क्योंकि ये मॉडल हमने नया लॉन्च किया है, तो जो जितने भी हमारे खरीदार हैं उनको निराश ना करते हुए हमने इसकी जो कीमत है वो 43,500 रुपया रखी है।